नमस्कार, स्वागत है आपका महाराजा अग्रसेन के इस चैनल अग्रविजन में। और आज हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई है और साथ ही शिक्षकों के हित के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत समय तक कार्यरत रहे हैं। और साथ ही महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं और इनके निर्देशन में, इनके गाइडेंस में संस्थान ने बहुत सारी प्रगति की है और बहुत सारे ऐसे पायदान स्थापित किए हैं जिससे संस्थान का नाम काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है। और आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज के इस मेहमान से आपका परिचय हम करवा रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर एन के कक्कड़ जी का। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, संस्थान के पहले निदेशक के रूप में, फाउंडर डायरेक्टर के रूप में आपने इस संस्थान को एक तरह से आरंभ किया है, शुरू किया है, तो शुरुआती दौर में क्या क्या दिक्कतें रहीं और कैसे संस्थान आगे बढ़ा, थोड़ी सी यात्रा बताएं। मैं केवल एक बात कहूँगा कि 2003 में जब संस्थान शुरू हुआ उस वक्त तक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सुल्तानपुरी में था जी। हम लोग ये महसूस करते थे कि वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है और बिजनेस का बीबीए के प्रोग्राम भी वहीं से चलाए जाएंगे। परंतु जब मैं वहाँ गया और चेयरमैन साहब से, नंदकिशोर जी से मिला, तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि बेहतर ये होगा कि इससे अच्छी जगह, कोई दूसरी जगह हम इंस्टीट्यूट को चलाएं, क्योंकि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को वहाँ चलाना मेरे हिसाब से संभव नहीं था। नंदकिशोर जी ने इमीडिएटली एग्री किया मेरी बात से और यहाँ पर आए। उस वक्त ये जो कंस्ट्रक्शन था बिल्डिंग, पर्टिकुलरली ब्लॉक 5 जहाँ हम लोगों ने महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ शुरू किया था, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सीढ़ियाँ भी नहीं बनी थी। और मुझे याद है कि शायद किस तरीके से हम लोगों ने कमरों में प्रवेश किया और वहाँ जाकर देखा कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। और ग्राउंड फ्लोर में 2 कमरे आइडेंटिफाई किए क्योंकि हमारे पास बीबीए 60 स्टूडेंट्स और बीबीए बैंकिंग इंश्योरेंस 60 स्टूडेंट्स का इंटेक मिला था, तो 2 कमरे हमको इनिशियल ईयर में चाहिए थे और वो हमने देखा और उसके लिए तैयारी शुरू की। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं जो जो कहता गया मैनेजमेंट उसको स्वीकार करते गए। ये बहुत कम जगह होता है कि बिना किसी व्यक्ति को पहचाने अदरवाइज इंस्टीट्यूशन में आप उसकी बात मानते चले जाएं, और ये शायद सौभाग्य मेरे लिए था कि मैंने सजेस्ट किया कि हम इसको यहाँ पर ब्लॉक 5 में लेकर आए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को। इस बात को एक्सेप्ट किया गया और हम लोगों को 2 कमरे फर्निश करके दिए गए जहाँ एक में बीबीए और एक में बीबीए बैंकिंग इंश्योरेंस क्लासेस को शुरू किया जी। मुझे लगता है कि वास्तव में ये एक बहुत ही निर्णायक फैसला था जो किया गया और जिसकी वजह से आज इंस्टीट्यूट जहाँ पहुँचा है, मेरे ख्याल ये शुरुआत थी और उसको धीरे 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 करते हुए हम ब्लॉक 5 पूरा हुआ, ब्लॉक 7 बना और उसके बाद ये चलते हुए आज ब्लॉक 9 में हैं। ये एक इंस्टीट्यूट का स्वरूप है, परंतु वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं और उस बदलाव के साथ साथ हमें भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे लगता है यह एक बहुत बड़ी बात है कि आज आप ब्लॉक 9 में हैं, परंतु ये स्टूडियो में याद कर रहा था कि मैंने इसको ब्लॉक 7 में मेरे वक्त में बना था और उस वक्त जब ये बना था इसकी जो कॉस्ट थी जी, शायद उतना हमारा मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स की फीस का कलेक्शन नहीं था जितना हमने इस पर खर्च किया था, परंतु मैनेजमेंट की एक अप्रोच थी, पॉजिटिव अप्रोच थी, प्रोएक्टिव अप्रोच थी, जिसकी वजह से इसको हम बना सके। और मुझे संतोष है कि आज भी ये उसी प्रकार से काम कर रहा है जी। सर, एक कोइंसिडेंट लगता है, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक आप फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं इस संस्थान के, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के, और यही दौर है जब फाउंडर वाइस चांसलर भी हैं गुरु गोविंद सिंह प्रथम विश्वविद्यालय के, के अग्रवाल साहब, तो ये कोइंसिडेंट कितना लाभकारी रहा संस्थान के लिए आपकी दृष्टि में? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि हमारे वाइस चांसलर तो 1998 में आ गए थे जी,
और महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज 2003 में शुरू हुआ जी। परंतु मुझे एक बात याद है, जब यहाँ बीबीए के लिए अप्रूवल दिया यूनिवर्सिटी ने, तो मुझे वाइस चांसलर साहब ने बुलाया और कहने लगे कि भाई यहीं हमने बैंकिंग इंश्योरेंस का कार्यक्रम भी प्रोग्राम भी शुरू करना है, बीबीए बैंकिंग इंश्योरेंस का, तो उसको आप मुझे जल्दी से जल्दी बना के दीजिए। फिर मैंने अपने एक मित्र जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज लंदन से एफिलिएटेड थे उनको, और एक दो लोगों को बैंकिंग इंडस्ट्री से जोड़ के एक कार्यक्रम शुरू करके हमने बहुत जल्दी उनको दिया, और इस प्रकार बीबीए और बीबीए बैंकिंग इंश्योरेंस ये कार्यक्रम हमारे दो शुरू हुए। बीबीए बैंकिंग इंश्योरेंस हम लोगों ने डिजाइन किया था वो प्रोग्राम जिस तरीके से चला जी। संस्थान की उपलब्धियों को वर्तमान दौर में आप किस तरह आंकते हैं? आज जो बच्चे आईएएम पहुंच रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उनको जॉब मिल रहे हैं, तो अभी तक की यात्रा में आपकी नज़र में संस्थान? मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं एक ही बात कहूँगा पाठक जी जी, जब मैं डायरेक्टर था तो कम से कम हर साल एक दो पत्र ऐसे आते थे कि महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईपी यूनिवर्सिटी का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है जी, जी, जी। ये अपने आप में एक बहुत संतोष की सुना हुआ है जी। और मुझे लगता है कि उसके लिए जिम्मेदार जहाँ डायरेक्टर को आप मत कहिए, जो फैकल्टी थी उसने जिस कमिटमेंट से यहाँ काम किया, जिस प्रकार से काम किया, मुझे लगता है वो मुझे सहयोग शायद अगर नहीं मिलता तो आज हम इस स्थिति में नहीं आते। तो मैं इसका सारा क्रेडिट जो हमारी फैकल्टी है उस फैकल्टी को देना चाहूँगा। हालांकि ये बात भी हम ध्यान में रखें कि जब इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था तो हम लोग दो सेक्शंस 60-60 स्टूडेंट्स के और चार फैकल्टी मेंबर से ये महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज शुरू हुआ था, परंतु इन चार लोगों ने जो मेरे साथ शुरू जुड़े, हालांकि उसमें दो लोग चले गए, दो लोगों के साथ चलते चलते आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि इसने अपनी एक जगह पूरे विश्वविद्यालय में नहीं दिल्ली में अपनी एक जगह बनाई हुई है, और अपने आप में ये एक बहुत महत्व की बात है। सर, जब आपका जिक्र होता है तो दो रूप आपके दिखाई देते हैं आमतौर पर जब भी कभी चर्चा होती है। एक तो डूटा के अध्यक्ष के रूप में आपने काफ़ी प्रसिद्धि पाई है, और दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे यदि देखा जाए तो काफ़ी सफल रहे हैं आप। लेकिन एक जो शिक्षक है, टीचर है, उसके कई सारे रूप होते हैं, उसको पढ़ाना भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, तो कैसे उसको संतुलित किया जा सकता है आज के दौर में, जबकि आजकल बिखरने के साधन बड़े सारे उपलब्ध हैं सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, फैकल्टी के लिए भी। देखिए, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है जी, उसका कहीं कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए मैंने एक बात तो ये कहूँ, जब ड्यूटा प्रेसिडेंट था, पुरानी बात हो गई, 91 to 95 चार साल मैं ड्यूटा प्रेसिडेंट रहा, रामदास कॉलेज में मैं पढ़ाता था जी। परंतु मैंने उन दिनों भी अपनी एक क्लास नहीं छोड़ी, सुबह क्लास लेना और क्लास ख़त्म होने के बाद आके ड्यूटा की एक्टिविटी को चलाना, और ड्यूटा चलाना कोई आसान काम नहीं रहा है जी, ना पहले था और ना आज है। जिस तरीके से शिक्षकों की डिमांड रहती है, जो उनकी अपेक्षाएं रहती हैं जी, उनको देखते हुए हमें काफ़ी मेहनत से, पर मुझे संतोष है कि मुझे उस वक्त भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का बहुत सहयोग मिला, और मैं शायद जो चाहता था वो करने में संभव हुआ, और मैं सिर्फ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों का आभारी हूँ इस बात के लिए। परंतु जब मैं यहाँ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट में आया, मेरा एक कमिटमेंट था चेयरमैन साहब से, नंदकिशोर जी से जी। और वो मेरा कमिटमेंट 1997-98 से था। उन्होंने मेरे से कमिटमेंट लिया था कि क्या जब मैं इंस्टीट्यूट अपना खोलूँगा तो आप वहाँ आओगे, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में कोई इस तरीके का काम नहीं करना चाहता था। वो चेयरमैन थे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के, मुझे वहाँ प्रिंसिपल बनाना चाह रहे थे, पर मैंने कहा जी मैं प्रिंसिपल यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं बनूँगा, तब कमिटमेंट लिया था। और 2003 में जब अप्रूवल मिला तो मुझे याद है 7 मई 2003 को उनका मुझे टेलीफोन आया कि भाई अब आप आइए, हमको अप्रूवल मिल गया है, आप आके इसको संभालिए और काम को शुरू करिए। मैं एक बात ज़रूर चाहूँगा
उस वक्त जैसे ये ब्लॉक था, सिर्फ ब्लॉक एक हमारा अच्छी तरीके से था, बाकी सारे ब्लॉक अभी बन रहे थे, और मैंने लाइब्रेरियन को यहाँ पर जमीन पर बैठ के काम करते हुए देखा है जी। ये जो अपने आप में काम करने का तरीका है, इसे कमिटमेंट पता लगता है कि लोग जो काम कर रहे हैं वो रियली इंस्टीट्यूशन के लिए कमिटेड हैं, और मुझे लगा कि मुझे भी इस कमिटमेंट से यहाँ काम करना पड़ेगा। और मेरी कोशिश रही, 10 साल मैं डायरेक्टर रहा, 2013 में मैंने अपना पदभार छोड़ा, 10 साल के 10 साल शायद ही कोई ऐसा दिन होगा मुझे याद आए जब मैं इंस्टीट्यूट वक्त पे ना पहुँचा हूँ। बिल्कुल, 9 बजे इंस्टीट्यूट शुरू होता था, मैं 8:45 तक इंस्टीट्यूट में होता था, और अपने आप में ये एक बात थी जिसकी वजह से मेरे फैकल्टी मेंबर और बाकी ऑफिस स्टाफ भी 9 बजे से पहले इंस्टीट्यूट में आ जाते थे, और ये संभव तब हुआ क्योंकि मेरी फैकल्टी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। ये जो कमिटमेंट है सर समय से रहने का, ये कहीं ना कहीं लीडरशिप मैटर करता है, और शायद ये लेगेसी इसीलिए अभी तक चल पा रही है और फैकल्टी इसको फॉलो कर रहे हैं। मैं इसको मानता हूँ कि ये फैकल्टी का कमिटमेंट है। मैंने तो एक शुरुआत की जी, 2013 में मैंने चेयरमैन साहब से कहा कि अब आप मुझे छुट्टी दीजिए, यानी मैं वैसे रहूँगा पर यहाँ काम करना, 9 बजे से पहले आ जाना और 4:30 बजे तक इंस्टीट्यूट में रहना मेरे लिए अब शायद संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे चलें, परंतु मैं सहायता करता रहूँगा इंस्टीट्यूट की जिस तरीके से भी हो, परंतु ये संभव तब तक नहीं था जब तक मुझे फैकल्टी मेंबर्स का पूरा सहयोग ना मिलता रहा जी। सर, एक लंबा दौर आपने एजुकेशन का देखा है, हायर एजुकेशन का स्पेशली, और आज के दौर में क्या परिवर्तन आप देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, उनके भीतर वर्तमान परिवेश में? मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं जी। जब मैं खुद स्टूडेंट हुआ करता था उस वक्त माहौल अलग था, उसके बाद जब शिक्षक रामदेस कॉलेज में 1965 में मैंने ज्वाइन किया तो माहौल एक अलग था, जब मैं 1991 में ड्यूटर प्रेसिडेंट बना तो माहौल अलग था, और जब यहाँ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में आया तो माहौल अलग था, परंतु उस माहौल के साथ साथ अगर आप उसको समझ के अपने आप को उसके हिसाब से ढालते चले जाएं तो मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं आती है काम करने में, और ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने को ज़रूर संदर्भ के हिसाब से थोड़ा सा जोड़ते चलें, उसको देखते चलें, बदलते चलें, उसमें आपको भी और संस्था जहां आप काम कर रहे हैं उनको भी उसमें सफलता मिलेगी, और मुझे लगता है मेरे लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। मैं एक बात ज़रूर कहूंगा कि यहां आने के बाद मुझे जो सहयोग अपने फैकल्टी मेंबर से मिला और जो सहयोग छात्रों से मिला जी, वो शायद मैं कभी भूलूंगा नहीं, हमेशा याद रखूंगा कि छात्रों ने भी मुझे पूरा सहयोग दिया, और फैकल्टी मेंबर्स का तो मुझे पता है सिर्फ बात करने की ज़रूरत पड़ती थी और जो काम मैं चाहता था जैसे चाहता था वैसे के वैसे होता था, और इसके लिए मैं अपने सभी फैकल्टी मेंबर्स का धन्यवाद करूंगा। शायद ऐसा सहयोग मेरी खुशकिस्मती में लिखा था जो मुझे मिलता रहा। फैकल्टी का सहयोग तो आपको हमेशा से प्राप्त रहा है, आपने इसका जिक्र किया, और साथ ही महाराजा अग्रसेन संस्थान के प्रबंधन के संदर्भ में भी हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ कैसा सहयोग रहा है, एक लंबी यात्रा जो 10 वर्ष की रही है, एक दशक बहुत बड़ा समय होता है। मैं सिर्फ एक वाक्य में अगर इस बात को कहूँ जी कि प्रबंधन की तरफ से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई, हालांकि जब इंस्टीट्यूट को शुरू किया गया और मेरा जो काम करने का तरीका था उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को दिक्कतें आती होंगी इंडिविजुअल लेवल पे जी, परंतु प्रबंधन ने, चेयरमैन साहब ने कभी मेरे काम में दखल नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप इंस्टीट्यूट चलाइए जिस तरीके से आप ठीक समझते हैं उसको आप चलाइए, और मैं उसी डायरेक्शन में चलता चला गया, और आज मुझे खुशी है कि जहाँ हम पहुँचे हैं शायद उसमें मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से रहा होगा, परंतु जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी फैकल्टी, हमारे छात्र, हमारा प्रबंधन, ये सारे के सारे एक साथ मिलके एक ही दिशा में काम कर रहे थे और इसलिए आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं।
महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इस 25 वर्ष के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने विचार देना चाहेंगे? बातें मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि महाराजा अग्रसेन सोसाइटी, पहले महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किया जी, फिर बाद में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज शुरू किया, उसके बाद महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल में शुरू की। वो जिस जिस डायरेक्शन में अपना काम करते हैं उनको सफलता मिलती है, क्योंकि उनका अपना काम करने का तरीका ऐसा है जो कि सबको साथ ले के ले चलने का है। ये बहुत कम प्रबंधन में होता है कि जहाँ आप अपने स्टाफ को, अपने छात्रों को अपने साथ लेके चलने की कोशिश करें, और महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो या महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हो या महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हो, सब जगह प्रबंधन ने उनको अपने हिसाब से सहयोग के साथ आगे लेके चले हैं। और मुझे लगता है इसके लिए हमारा महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहिए कि वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं, और उस प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से आज जो उनके संस्थान हैं वो इस लेवल तक आ पहुँचे हैं। ड्यूटी, डिवोशन और डिसिप्लिन के पर्याय डॉक्टर एन के कक्कड़ साहब से हमने बातचीत की आज के इस कार्यक्रम में अग्रविजन के लिए। और साथ ही आपको ये बता दें कि शायद ऐसी शख्सियत के लिए ही कहा गया है कि चेहरे पर कुछ बूंद पसीने, पाँव में जिनके छाले हैं, पहचान सको पहचानो, यही इतिहास बनाने वाले हैं। पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उस लैब में बैठा हूँ जो कि मैं जब डायरेक्टर था उस दौरान में इसको खड़ा किया गया था, और आप लोग इसको और आगे बढ़ाते रहें, मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।